2711, 77 Madrid, Bali, you name it. The criminals who have killed tens of thousands of people are living in GHQ Islamabad, and India's responsibility is to the rest of humanity that they should stand up to these rogues and say, enough is enough. आपके और हमारे बीच में एक फर्क है. आपकी आईटी है इंटरनेशनल टेररिज्म, हमारी आईटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. दीज टू के नॉट गेट टूगेदर. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद. तारिक जी के साथ बातचीत का दौर चालू रहेगा. आप प्रश्न पूछ सकते हैं. हमारे कार्यकर्ता माइक्रोफोन लेके आपके पास आएंगे. तारिक जी, इस्लाम में एक हिजबुल्ला की कल्पना की गई है और ज्यादातर इस्लाम जो के जो स्टेट है वो हिजबुल्ला पे आधारित है जो कल्पना की गई है. तो फिर ये धीरे धीरे हिजबुल्ला की कल्पना ऐसी नहीं हो सकती है, मैं भी जानता हूं. तो फिर ये पर्वर्टेड फॉर्म ऑफ थियोक्रेसी में क्यों ट्रांसफर हो रहे, रूपांतरित क्यों हो रहे है? देखें, सवाल आपका है जिसमें उसका आंसर आपने भी साथ दिया है. ये हिंदुस्तान का बड़ा एक कमाल का है कि यहां जो भी सवाल पूछता है वो जवाब साथ देता है. देखें, ये आपका मसला नहीं है कि इस्लाम में क्या लिखा गया है. या तो आप मुसलमान हो जाएं, फिर बैठ के आप में दोनों लड़ेंगे मुसलमानों से. अगर आप मुस्लिम नहीं है तो ये मुसलमानों का मसला है कि उसमें क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है. है? आप 200 मिलियन मुसलमान का तो नहीं निकाल सकते. हिटलर 10 मिलियन जू को नहीं कर सका तो आप 200 मिलियन तो नहीं करेंगे. अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या कानून कुरान या पुरान से बन सकता है. नहीं, आपका हमारा यह होना चाहिए कि हमारा कानून पार्लियामेंट में बनता है. हमारा कानून भगवान नहीं लेके आता. भगवान लाता है रास्ता मॉरल कंपस का, के नेकी कर और दरिया में डाल कैसे. मॉरल कंपस के अलावा धर्म का कोई रोल नहीं सोसाइटी में. जिस लिखावट से दंगा होता है वो हो ही नहीं सकता. इसीलिए इतने लोग आजकल एथियस्ट हैं, तंग आ गए. सवारकर भी एथियस्ट ही थे ना, तंग आ गए थे ना लोग, थक गए थे. ये कब खत्म होगा? यूरोप में मुझे बताइए, अगले साल 500th एनिवर्सरी होगी मार्टिन लूथर की. उसने कागज लिया, चर्च पे गया और पोप को कहा, अब मैं गुजराती में गाली, पंजाबी में ज्यादा अच्छी होती, उसने गाली दी पोप को कि तेरी वजह से लाखों आदमी मर गए, तू साला कैसा ठेकेदार है खुदा का. 500 साल जिसमें कई सौ साल जंगें हुई, सौ सौ साल की जंग कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स की हुई, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, एंड में उन्होंने क्या तय किया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या तय किया? मजहब का ताल्लुक सियासत से है ही नहीं. इसीलिए फ्रांस ने कहा तुमको बुरका पहनना है तुम जाओ बुरकस्तान में, तुमको हिजाब पहनना है तुम हिजाबिस्तान जाओ. या ना तुम बुरका पहनोगे, ना पगड़ी पहनोगे, ना कुछ करोगे, रहना रहो, नहीं रहना वापस जाओ. ये कानून की लड़ाई है. जब आप लिटरेचर और रिलीजियस आर्ग्यूमेंट करेंगे जिसका जवाब आपके पास पहले से है तो वो इट विल बी कंस्ट्रूड एज एन आर्ग्यूमेंट इन बैड फेथ. नेक नियति से आप सच निकलवा सकते हैं, बद नियति से सिर्फ झूठ निकलेगा. अगर ये आप सवाल किसी मौलवी से कहता तो वो जाकिर नायक की तरह तीन चीजें पढ़ता, इन चैप्टर 239 फलाना भगवद गीता, वेरी बैड वेरी बैड वेरी बैड. आपको फिर गुस्सा आता, आप कहते हैं क्या कह रहा है तू, कुरान में ये लिखा है, वेरी बैड वेरी बैड वेरी बैड. या तो जाकिर नायक को फॉलो कर ले या आरिफ मोहम्मद खान को फॉलो कर ले. नमस्कार. आप डिसाइड करें. हाँ जी, डॉक्टर के एस पुरोहित. अच्छा, मैं एक डॉक्टर हूं पालड़ी में, यहां अहमदाबाद में. जी, आपने बताया कि इंडिया को सेक्युलरिज्म का गर्व है वो पहने रखना चाहिए, पर भी जो करंट कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म का जो अर्थ हो रहा है वो सही है क्या? एक नंबर वन. दूसरा कि एवरेज मुस्लिम जो भी कंट्री में रहता है वो ये मानता है कि ये कंट्री मेरा नहीं है,
मेरी नजर तो ये पूरे मुल्क को इस्लामिस्तान बनाने की है, ये सही है क्या? ऐसे बुक में लिखा हुआ है क्या? नहीं है और काफिर का अर्थ उनके दिमाग, क्योंकि मुझे ये भी जानना पड़ता है कि जब वो मेरी और फिर मुझे याद नहीं रहेगा, मैं सट के आ गया हूँ, 65 की उम्र है मेरी। वो एक एक क्वेश्चन एक एक करके मुझे पहला सवाल आप बताइए क्या था, सॉरी सेक्युलरिज्म जे सेक्युलरिज्म हो ही नहीं सकता जब मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, इट्स वेरी सिंपल। ये सेक्युलरिज्म की तिजारत है। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि एक कानून हर शहरी के लिए खत्म, जिसने चारशाजी करनी जाए पाकिस्तान, सीधा। नंबर टू, सेक्युलरिज्म को अटैक करना इज अ वेरी डेंजरस थिंग, ये उनका है, क्योंकि अगर सेक्युलरिज्म को आप अटैक करेंगे देयर इज नथिंग लेफ्ट इन इंडिया, तितर बितर हो जाएंगे। आप पढ़िए, मुसलमान आने से पहले बादशाह से लड़ाई करते थे आपस में, इधर से चली फौज उसको तबाह कर दिया, वो चढ़ा मराठों ने उसको मार दिया, वो गए साली गुप्ता डायनेस्टी खत्म कर दी, हवा में उड़ गई, इतनी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस कैसे गई? क्योंकि कानून ही नहीं था। कानून बादशाह सलामत ने कहा लेकर आओ, गर्दन काट दो, खत्म है, उस लड़की को नचवा दो, उस चाचा को पिटवा दो, ये कोई आज की बात? आर वी टू बी प्राउड ऑफ दैट नॉनसेंस? वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, we should not be ashamed of the fact that it is copied from the greatest democracy on earth, which is Britain, jahan George Galloway jaise kameene anti Indian politician ko kisne haraya kal election mein, koi janta hai? Ek Pakistani ladki ne, musalman ne. Aapko pata hai ki Sheikh Mujibur Rahman ki granddaughter has been elected to the British Parliament, उसका नाम बड़ा प्यारा है ट्यूलिप सिद्दीक, जिसपे हिंदुत्व वाले कह रहे हैं इंग्लैंड का तो बेड़ा गर्क हो गया, मुसलमान आ गए। दी हिंदुत्व पीपल डोंट नो दैट इस्लामिज्म इज बीइंग डिफीटेड बाय मुस्लिम्स, नॉट बाय योर ट्वीट्स। ये लड़की का कमाल है जिसने जॉर्ज गैलोवे को हराया ब्रैडफर्ड में, जहां 90% पाकिस्तानी रहते हैं, जो जमात इस्लामी और मुस्लिम ब्रदरहुड के गुट्ठे में थे, जहां जॉर्ज गैलोवे 50,000 वोट से जीतता था। वो लड़की के बाप ने उसकी मां को तलाक दी, वो गैराज में रहती, 8 साल तक उसको घर नसीब नहीं था, फिर उसको उठा के पाकिस्तान ले जाके उसकी शादी करा दी, फिर उसके हस्बैंड ने उसको मारा, उसकी मां को उसके हस्बैंड ने मारा, शी केम बैक एज 18 ईयर ओल्ड एंड स्टार्टेड टू फाइट अगेंस्ट द मुल्लाज। Today she defeated the greatest Hamas, Hezbollah, Saddam Hussein ka jo dalal tha, usko usne defeat di. India ke paper mein khabar hi nahi hai. Ye samjhe, ye musalman harayenge in haramzadon ko. Ye aap nahi kar sakte. Twitter ki jeet usi waqt hogi jab aap uske nashe mein nahi ghup jaye. Aapko maza aa raha hai. Are gaali de di musle ko. Musla hi marega inko. ये हमारी जिम्मेदारी है, प्रॉमिस करते हैं। ऐसा ऐसा बहादुर मुसलमान यहां बैठा लड़ रहा है जंग, इनके आप तो आपको पता ही नहीं हो क्या रहा है। घर घर लड़की लड़ाई लड़ रही है, मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी, मैं हिंदू से करूंगी, सिख से करूंगी, आप कौन है तेरे होने वाले? मेरी बेटी ने भी शादी की नॉन मुस्लिम से, मेरी बहनों ने कहा हम शादी पे नहीं आएंगे, हमने कहा अच्छा हुआ खर्चा बच गया। नाउ मैंने जाके हिंदू मुसलमान बच्चे बच्चियों की 4 लोगों की तो मैंने शादी कराई है। जिसने कहा कि ये हिंदू, मैंने कहा कुरान पे नंबर तो हटाओ पहले हिंदुओं के, जिसको ज्यादा पीड़ है तुम्हारे पास तो नंबर ही था अरब, ये तो हिंदुओं से सीखा तुमने, नंबर राइटिंग तो हर कुरान पे लिखा है, इट्स इंडियन नंबर्स, इस किताब का भी हर पेज जो है इंडियन नंबर पे है, क्यों उससे नहीं कर रहे? लेकिन ये दुश्मनी से नहीं हो सकती, ये नेक दिली से जीतेंगे आप जंग। दूसरा सवाल पूछ गया, भूल गया ना मैं जी। हाँ आज देखें 99% मुसलमान हैज नॉट रेड द कुरान, इनफैक्ट 100%, मेरा तो एक भी दोस्त नहीं जिसने कुरान पढ़ा। व्हाई? बिकॉज इट कांट बी रेड। Do you know why? It's not in chronological order. Anybody who says he's read the Quran is a liar, because to read it you first have to know kiski arrangement kya hai.
जाकिर नायक कहता ना चैप्टर 235 लाइन अनोटेड, झूठ बोलता है साला, चेक करना वो तो नंबर फेंक रहा है खटखट खटखट खटखट। अब कह यार ये इतना इसको कैसे याद है, ये साले छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले। इनकी इनकी शक्लें देखो, मैं तो ऐसे बकरी को नहीं बकरा ईद पे खरीदू। दे आर अ कर्स ऑन इंडिया। इस सऊदी अरेबिया से पैसे खाने वाले तो जूता कपड़ा शक्ल खराब है आपकी, आप कहां से आ गए इस्लाम फैलाने। हमारे यहां तो एक से एक सुंदर आदमी होता था, जो निजामुद्दीन औलिया पे जाइए, कहां कहां जाइए, अमीर खुसरो, ये सब, ये कोई बदसूरत आदमी के पास को आता है? ये तो बदनसीबी इंडिया के मुसलमानों की, इतने घटिया आदमी के पास 20,000 आदमी आते हैं। लेकिन ये मुसलमानों की फाइट है। एंटी मुस्लिम फीलिंग शुड कम टू अ स्टॉप। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में ही रहेगा, आज से नहीं अगले 50,000 साल तक। और ये ऐसा है जैसे मियां बीवी की शादी है, झगड़ा तो होता है। मैं भी 40 साल से शादी कर रहा हूं, कभी मेरा कैमरा फेंक देती है, कभी उसका यू नो थप्पड़ चल जाता है। पिटाई तो हस्बैंड की होती है, ये माने ना माने आप, देखिए ना क्या कर लेंगे आप। मेरा फोन फेंक देती है, डिलीट कर देती है डेटा, लेकिन है तो बीवी ना। तो आपकी मुसलमानों से शादी हुई भी कोई नहीं जाएगा कहीं। ये सिख और ये बुद्ध बुद्ध ये बराती हैं सब, ये पारसी वारसी इधर उधर जनरल मानिकशा। आपका और हमारा रिश्ता है हमेशा के लिए। हम दारा शिको हैं और आप शिवा की औलाद हैं, हम कहां जाएंगे। और वो मौलाना ही थे जिन्होंने कहा कि शिवा भी हमारा, उसको क्या, उसको सजाए मौत हो गई ना, वो भाग गया बेचारा। हां बताइए, उसको कोई ने घर नहीं दिया। वो जो लखनऊ अवध टाइम्स की एडिटर थी बंबई में, मुसलमान औरत ने उर्दू के अखबार में चार्ली हेब्डो के कार्टून किसने छापे, किसी हिंदू ने छापे? नो, मुसलमान औरत ने छापे। आज तक उसको नहीं पता कि वो जिंदा रहेगी मरेगी। ऐसे जवान पैदा किए हमने औरतों में। अभी तो मर्दों की बारी नहीं आई है सर, मुझे आप सिटीजनशिप दे दे, मैं इनको यहां से वहां साफ करके भेज दूंगा। ये झूठे हैं, ये जाकिर नायक जैसे बदसूरत लोग, दे शुड बी डिपोर्टेड टू सोमालिया, बिलीव मी। काबुल इज ऑल्सो नॉट वेज, इनको भेज दो वहां और इनका देखे क्या हशर करते हैं सोमाली। और अगर वहां से छूटते तो पेशावर की जेल में करें, इनका सही वहां इस्लामिक ट्रीटमेंट वहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन अंसारी है। कहाँ पहले बताइए, पीछे? हाँ जी 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 जी, मैं अहमदाबाद में ही पैदा हुआ, अहमदाबाद में रहता हूँ। और सर एक मजदूर के घर में पैदा हुआ जी, और आज भी मैं मजदूरी करता हूँ। सर जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के पास मिसाइल है 2000 किलोमीटर मार करने की, 500 किलोमीटर वहां मार करने की, 50 किलोमीटर मार करने की, तो सर हमारे पास भी तो है। वो 3 बार हमसे हार चुका है और इस्लाम गवाह है। जब जब भी इस्लामी फौज ने कहीं पर भी हमला किया तो वो 10 थे तो 10,000 पर काफी हुए। और एक पाकिस्तान ऐसा है कि उसने हमारे पर हमला करा तो उसके 95,000 फौजियों ने शरणागति करी हमारे आगे। तो हम, वो अगर हमारे पर एटम बम मारता है, मैं तो हाँ, जवाब दे दूं आपको। हाँ बोलिए। वो मरना चाहते हैं, आप जीना चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, हम भी वैसा ही जवाब देना चाहते हैं जैसा वो देना चाहते हैं। मोहम्मद मेरे भाई बात तो सुनो जी, वो मौत के वो हैं चाहत करने वाले, आप उनको क्यों मौत? अगर नहीं, नहीं, मेरी बात सुनो जी, सुने जरा जी जी, दो चीजें। एक ये कि हम 10,000 को मार देते हैं, ये झूठ है, ये गलत बात है, इससे भूल जाएं जी। ये पाकिस्तान जो है ये इसलिए बना क्योंकि मुसलमानों की लीडरशिप बड़ी पैथेटिक है। हम मौलवियों के पीछे भागते हैं, जिस दिन हमने मौलवियों को पीछे छोड़ के जावेद अख्तर के पीछे लग गए, एमजे अकबर के लग गए, आरिफ मोहम्मद खान के साथ, सॉरी मेरा ये ऊपर वाला कह रहा था ज्यादा बकबक नहीं करो। तो आप
उस कौम को मौत क्यों देंगे जिसकी मौत, जिसको मौत की तमन्ना है? आप उसको कहें हम ये आपको नहीं देते, आप मारेंगे तो अपने लोगों को मारेंगे ना, क्या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी नहीं है क्या? आप दरियाए सिंध पे बम मारेंगे क्यों? क्यों जहर फेंकेंगे आप उस दरिया पे जिसने आपको पैदा किया है 5000 साल से? ये गुनाह होगा बहुत बड़ा। आपको उनकी वो कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना होगा जिससे वो बम मार सके, और वो है बलूचिस्तान की आजादी। अगर आप मुसलमान हैं और सिर्फ फलस्तीन का दर्द है आपको और बलूचिस्तान का नहीं है, तो ये बहुत बड़ा आपसे पाप हो रहा, क्योंकि अभी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट ने कन्वेंशन किया अपना कांग्रेस विजय विशाखापट्टनम में, उन्होंने रेजोल्यूशन पे रेजोल्यूशन लिखे, किस पे? फलस्तीन पे। क्यों? वहां अपने कॉमरेड काफी है मुसलमान, सलीम साहब और ये, उनको दर्द फलस्तीन का बड़ा है। उनमें से एक को दर्द मालदीव्स का नहीं था, जहां नशीद को जेल में बंद किया हुआ है मुल्लाओं ने। ये कैसा मुसलमान है जिसको अरब का बड़ा मसला है? और बांग्लादेश में जब 30 लाख मरे तो हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तानी फौज को सपोर्ट कर रहा था, सच की बात कर रहा हूं। कोई नहीं हिंदुस्तानी जो मुक्ति वाहिनी में जाकर लड़ा, एक नहीं। अपने अब्बा से पूछ लेना ये तुम, क्योंकि तुम अभी जवान हो। ये सोचो कि मुसलमान का पहला और आखिरी फर्ज है सच बोलना। कुरान ने क्लियरली लिखा कि सच बोलो, इवन इफ द ट्रूथ इज अगेंस्ट यू और योर फैमिली। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ये है। तो पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं करो, पाकिस्तान से प्यार करो और पाकिस्तान के लोगों से तर्स खाओ। कभी अपने मुंह से ये नहीं कहना कि हम एटम बम मारेंगे। एटम बम मारने पे फखर नहीं करना, दरियाए सिंध पे जहर फैलाना तो अपनी मां को मारना है, कभी सोचना भी नहीं। सिंध नहीं है तो हिंदुस्तान नहीं है, ना वेदाज हैं, ना पुराने हैं, ना महाभारत है, कुछ भी नहीं है। लाहौर राम के बेटे का शहर है, लेह का, और केश, केश जो है वो भी है। ये आपका फोन होगा सर, आपका फोन है सर ये, हाँ पकड़े गए आप। सर आप कहते हैं कि मतलब ये पाकिस्तान को जवाब नहीं देना चाहिए, तो आज यहां पर लाखों मुसलमान पाकिस्तान के कारण मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान के कारण परेशान किए जा रहे हैं, पाकिस्तान के कारण परेशान हैं, तो इसका जवाब मतलब हमको नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, मैं बता रहा हूं ना, आप आजार बंद काट दीजिए, शलवार गिर जाएगी, बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा। आप अमन की आशा तो बंद करें। आप कहें मुझे नहीं जाना पाकिस्तान, मेरे रिश्तेदार हैं कराची में, लेकिन उनको दूर से सलाम, नहीं चाहिए हमको तुम्हारे प्याज टमाटर। यहां पर सर लगभग मेरी 60 बरस की उम्र हो रही है, मैंने आज तक किसी को यह नहीं कहा कि हम पाकिस्तानी हैं। मैं कब कह रहा हूं आपने कहा है? सर ऐसी बात में पकड़ ले जाएंगे आप, गिल्ट कॉन्शियसनेस होती है ये। नहीं, नहीं, मैंने हम, कभी हम, नहीं कहा हम लोग भारतीय हैं, हमारे बाप दादा भारतीय थे, भाई यहां किसी ने नहीं कहा कि वो भारतीय है या नहीं है। आप पे क्यों है जिम्मेदारी के आप ये बताएं? ये गलत बात है। आप में इतनी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि आपके वो क्रिकेटर कौन है जिसने विकेट ली तो उसके बाप ने कहा आई एम वेरी प्राउड दैट ही इज इंडियन मुस्लिम। किसी और क्रिकेटर ने नहीं कहा कि आई एम प्राउड ही इज हिंदू, किसी ने नहीं कहा आई एम प्राउड। कभी वो क्या नाम था कप्तान आपके जो थे, कभी किसी ने नहीं कहा हम कहां के हैं? गवास्कर ने कभी कहा? तो ये सोचे, इस कॉम्प्लेक्स से निकले। अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो खत्म हुई बात। अरे तुम वो मुसलमान हो खुशकिस्मत कि अगर तुम कल को कहो कि मैं हिंदू बनना चाहता हूं तो तुम्हारी गर्दन कोई नहीं काटेगा। सिर्फ हिंदुस्तान में मुसलमान कह सकता है कि खुदा को दूर से सलाम, मैं कैफी आजमी हूं, मैं बिलीव ही नहीं करता। बड़ा बड़ा कम्युनिस्ट इस मुल्क में है जो कहता है खुदा और मोहम्मद पे मुझे यकीन ही नहीं है, लेकिन सलीम साहब जिंदा हैं। ये पाकिस्तान में होते तो हसन नासिर की तरह उसको जेल में मार दिया जाता।
हसन नासिर भी हैदराबाद दक्कन से आए थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वॉलंटियर थे, सांप उनको सांप से कटवा के मार दिया लाहौर के फोर्ट में। इंडियंस को पाकिस्तान की हिस्ट्री का नहीं पता, मुझे बड़ा दुख होता है। ये सारे पाकिस्तानी हिंदुस्तानी है, ये याद रखिए, सारे पाकिस्तानी वो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, आप आजाद हैं। उनकी जब तक आजादी होगी, जब ये नासूर खत्म होगा, जब मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा सही से निकलेगा और लोग कहेंगे दफा हो जाओ, बरतानिया से आए जाओ, वहीं जाके मर जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा, तुमने अपनी बेटी को आग किया, बेशर्म बेहया, खुद पारसी से शादी की और बेटी को घर से निकाल दिया कि वो पारसी से शादी कर रही है, ये कैसा आदमी था? और आप में से कोई उसको गिला नहीं कहता? मुसलमान क्यों नहीं गाली देते जिन्ना को? दें, जब तक नहीं दें।